सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइव प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सबके फोन के अंदर स्क्रीन तो रहता ही है, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले है जिस पर कि आप पूरा इधर का उधर काम करते हो, एप्लीकेशन रखते हो, तो ये तो होता ही है। वैसे भी ये होगा ही गाइस, इसके बिना तो मोबाइल का कोई काम ही नहीं, डिस्प्ले पर ही तो पूरा काम होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर फोन के डिस्प्ले का दो ऐसा सीक्रेट ट्रिक एंड हिडन फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस देखने के बाद आप सिर्फ चौंकने वाले हो और डेफिनेटली कमेंट में बोलोगे कि काश यार इन ट्रिक्स के बारे में मुझे पहले बता दिया होता तो बिल्कुल डिस्प्ले की दुनिया में तहलका सा मचा देता। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को थोड़ा टाइम देके आप देख लीजिएगा, तो डिस्प्ले पर आप बहुत ही यूनिक फीचर को एक्टिवेट कर पाइएगा। तो दो दो ट्रिक बताऊंगा, तो दोनों को देख के जाना, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप डिस्प्ले के इस दो फीचर के बारे में सबसे पहले सीखना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन पर दबा के ऑल पर सेट करना ताकि नए वीडियो की जानकारी मिल पाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना सभी जगह ताकि और भी लोग डिस्प्ले के दो फीचर के बारे में सीख सकेंगे, और कमेंट के अंदर लिख देना यार नाइस वीडियो, या तो आप लिख सकते हो डिस्प्ले देख के फीडबैक दे सकते हो। बाकी चलिए आप डिस्प्ले की सबसे पहले ट्रिक, खतरनाक ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं और अपने फोन के अंदर ट्राई जरूर करना। गाइस ये वाला पहला फीचर देख के तो मुझे खुद ने विश्वास हो रहा था कि फोन के अंदर ऐसा भी फीचर कंपनी वाले दे सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले नंबर की ट्रिक के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग में जैसे आओगे तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, आपको अपने फोन के आ जाना है सेटिंग में, और आपको अपने फोन में देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले नाम करके एक सेटिंग, जो कि हर फोन के अंदर दिया होता है। डिस्प्ले पर कुछ भी कस्टमाइज करना हो तो डिस्प्ले का सेटिंग उसी के लिए दिया गया है। तो आप यहां पर जैसे आ जाओगे तो यहां पर क्या करना है आपको वो थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जैसे यहां पर आ जाओगे गाइस तो यहां पर आपको मिलेगा कलर स्कैम, यहां पर मिलेगा स्कैम, कलर स्कैम पर जैसे आओगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, ये हो सकता है आपके फोन में फीचर ना हो लेकिन मेरे फोन में दिया हुआ था, तो मुझे मन किया कि मैं इसके बारे में आप सबको बता दूं। तो आपका फोन देखिए, जैसे कि ये मेरा पोको फोन है तो इसमें दिया हुआ है फीचर, बाकी मैं नहीं जानता कि दूसरे फोन में दिया है या नहीं, लेकिन पोको में दिया हुआ है। तो इसका क्या फीचर है ध्यान से देखना गाइस, आपके फोन का ये जो स्क्रीन है, कलर है व्हाइट वाला, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये पहले दिया होता है डिफॉल्ट में, जो कि आपके स्क्रीन का कलर देखने को मिल रहा है, बाकी आप यहां पर चाहो तो कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने स्क्रीन को जिस कलर में चाहो उस कलर में रख सकते हो, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा फीचर। बाकी यहां पर वर्म भी दिया होता है तो वर्म में जाकर भी कलर को वर्म की तरह सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत। अगर आप ब्लू रखते हो तो हमेशा के लिए आपका स्क्रीन ब्लू ही हो जाएगा, देख लीजिए। बाकी इसमें और भी कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, देख लीजिए आपको अगर देना है ये वाला कलर पर तो ये पर भी देख सकते हो, कूल वाला दिया हुआ रहता है तो कूल वाले पर भी जाके आप यहां पर देख सकते हो, कूल है, तीन ऑप्शन है तो जिसमें चाहे आप रख सकते हो। बहुत ज्यादा ये मुझे यूनिक फीचर लगा फोन के अंदर, जो कि मुझे देख के बिल्कुल ही चौंक गया था, तो आप ही चौंक जरूर चुके होंगे अगर आपके फोन में दिया हुआ होगा तो। बाकी इसे आप रखना चाहते हो तो इसे रख सकते हो, बाकी अपना डिफॉल्ट में भी आप रख सकते हो, लेकिन मुझे इस वीडियो के अंदर पहला ट्रिक इसी के बारे में बताना था जो कि मुझे बहुत ज्यादा कमाल करेगा। कैसा लगा ये पहला ट्रिक आप सबको कमेंट में जरूर बताना, क्या आपके फोन में ये सेटिंग है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब सेकेंड नंबर का ट्रिक क्या उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं और अपने फोन के अंदर जरूर करना, और सेकेंड वाला फीचर सभी के फोन में बिल्कुल 100% वर्किंग करने वाला है। तो सेकेंड नंबर के ट्रिक के लिए आपको करना क्या, आपको अपने फोन के अंदर एक छोटी सी ऐप चाहिएगा जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एप्लीकेशन को जैसे ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके फोन में ओपन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, आपको इस चीज को समझना होगा क्योंकि ये फोन के स्क्रीन को एक अलग ही तरीके का लुक देने वाला है और फोन को यूज करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ये फीचर को एक्टिवेट करने के बाद। वैसे इसमें ज्यादा कुछ आपको परमिशन नहीं देना होता, डायरेक्टली ये वर्क कर जाता है, ओपन जैसे करोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो आप ये जो दिख रहा है ना, ये सब बिंदु बिंदु, ये सब आपका ऐप हुआ, छोटा छोटा बिंदु, ये सब ऐप हुआ। जैसे कि मैं प्रीव्यू के तौर पर दिखाना चाहता हूं, यहां पर जो है चौकुट्टा सा, इस पर क्लिक करूंगा तो आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जो कि इसी तरीके से वर्क करेगा आपके फोन के अंदर। जितना ज्यादा एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा खूबसूरत रहेगा। थोड़ा वॉलपेपर के
खातिर ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा यहाँ पर वॉलपेपर को चेंज करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने वॉलपेपर को चेंज कर दिया है, तो अब देखता हूँ इसके क्या फीचर है। यहाँ पर देखिए किया, अब देखिए ये फीचर बिल्कुल यूनिक सा दिख रहा है। ये देखिए अभी ये आपके फोन में सेट नहीं हुआ, सिर्फ देखा दिख रहा है। ये एक लॉन्चर है जो कि आपके फोन में पूरा सिस्टम को चेंज कर देगा। देख लीजिए वैसे ये इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि आप होम बटन पर दो बार क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पर जैसे ही देख लीजिए यहाँ पर इसे परमानेंटली चाहो तो अपने स्क्रीन पर सेट कर सकते हो, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ऐप पर जैसे आइएगा तो सारा ऐप यहाँ पर आपके फोन में आ जाएगा। वैसे आप जो यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो भी दिख रहा है, किसी को आप हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो, जो कि इसके अंदर ये फीचर दिया हुआ है। तो ऐप पर जैसे आओगे तो इधर आंख वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये हाइड हो जाएगा आपके फोन के अंदर। तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूनिक सा है। अब बात रहा कि इसे अपने फोन पर कैसे सेट कर सकते हैं परमानेंटली, वो कर सकते हो क्योंकि एक लॉन्चर है तो इसे करना है, चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग में आना है आपको, और सेटिंग में आपको सर्च बार में सर्च करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ डिफॉल्ट। यहाँ पर देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, डिफॉल्ट आप जैसे लिखिएगा तो यहाँ पर डिफॉल्ट लॉन्चर के नाम से आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर डिफॉल्ट लॉन्चर लिखिएगा, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए आपके फोन के सिस्टम का लॉन्चर भी है, जो कि आपके फोन में नॉर्मली यही वाला होता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आया, अब मैं इस पर सेट कर दूंगा तो ये परमानेंटली मेरे फोन पर सेट हो चुका है। अब इसी तरह वर्क करेगा। अब देखिए ये कैसे वर्क करेगा, अगर मान लीजिए YouTube आपको खोलना है तो ऐसे क्लिक कीजिए, ये खुल गया। और आपको मान लीजिए MX टकाटक खोलना है तो इस तरीके से, मतलब कोई भी एप्लीकेशन खोलने का एक अलग ही तरीके का मतलब एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और जितना ज्यादा एप्लीकेशन रहेगा उतना ही ज्यादा खूबसूरत आपका फोन लगेगा दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मुझे इसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना था, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की जानकारी मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को शेयर करना, कमेंट के अंदर लिख देना यार नाइस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।